तो इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ नया है सत्य अपडेट की बात करें। मध्य प्रदेश में रविवार को इटारी से ब्रांड कार्रवाई के दौरान सीबीआई टीम द्वारा दबिश देते हुए रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था। इटारसी में रविवार को सीबीआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए डीजल ट्रेड के सीनियर डीएम अजय कुमार ताम्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छापामार कार्रवाई में टीम को डीजल ट्रेड के सीनियर डीएम के पास से 500 के नोट बरामद हुए हैं, जिसकी कुल संख्या 50,000 रुपए बताई जा रही है। सीबीआई डीएसपी अतुल हजेला के मुताबिक तो सीनियर डीएमई के बंगले पर कार्य करने वाले प्यून के को दोबारा नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। रिश्वत की मांग करने के बाद इस मामले में पीड़ित ने शिकायत की, जिस पर मामले की जांच की गई। जानकारी सही पाए जाने के बाद सीबीआई टीम के 10 सदस्य टीम ने कार्रवाई की है। सीबीआई ने जानकारी दी है कि 3,50,000 रुपए में बातें तय हुई थी, जबकि पहली किश्त 50,000 देने आ चुकी और अधिकारी के घर पहुंचा था। उसी की शिकायत पर छापामार कार्रवाई में सीनियर डीएमई को पकड़ा गया है। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।